अब हम लोग ये बताइए छड़ी कोट नहीं देंगे, छड़ी को तोड़ देंगे नहीं, एनडीए ने भेजा तो। अरे एनडीए ने किसी कुत्ते बिल्ली को भेज देगा तो हम लोग चुनाव में उसको वोट दे देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। यह बताइए आप हमको कि ओम प्रकाश राजभर पार्टी चलाने के लायक है? नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं इस वक्त घोसी लोकसभा क्षेत्र के मऊ जनपद में हम मौजूद हैं। चुनावी कवरेज करते करते हमें मऊ जनपद में एक ऐसे शख्स मिल गए जिनसे हमें लगा कि बातचीत करना चाहिए और यहाँ की जो चुनावी समीकरण है उसके बारे में चर्चा करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी इनसे ऑफ कैमरा बातचीत हुई उसमें लगा कि मतलब घोसी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो घोसी के लिए क्या महत्वपूर्ण है और कौन सा प्रत्याशी बेहतर होगा, इन सब तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मैं कुंवर देवेंद्र सिंह परिहार, करणी सेना भारत पूर्वांचल अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। क्या है चुनावी समीकरण जो घोसी की बात करें, घोसी लोकसभा क्षेत्र में तो जब से बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है यहाँ पर, तो जो राजनीतिक गलियारे हैं जो उसमें एक बार फिर से सुखबुगाहट के साथ साथ खलबल भी मच गई है कि उनके आने से एनडीए को नुकसान हो सकता है, तो पहले हम चुनावी समीकरण जानेंगे, माहौल क्या कहता है यहाँ का। एनडीए ने तो अपना खुद का नुकसान पहले ही कर दिया ओम प्रकाश राजभर को टिकट दे करके। अरे क्या बोल रहे हैं आप? यही सत्य है, यह घोसी लोकसभा का जो है ये आवाज है, ठीक ना? यहाँ ओम प्रकाश राजभर को टिकट दे करके पार्टी ने जो है यहाँ के वोटरों को अनाथ कर दिया। यहाँ के वोटरों को, ओम प्रकाश राजभर के लड़के को टिकट दे करके एनडीए ने अनाथ कर दिया? अनाथ कर दिया यहाँ के वोटरों को। कैसे? यह बताइए आप हमको कि ओम प्रकाश राजभर पार्टी चलाने के लायक है? मंत्री बन गए हैं, पार्टी ने चुन करके भेजा है तो कुछ तो सोचा होगा ना मंत्री। मंत्री तो पार्टी को जब बनाना है तो किसी को बना सकती है, कोई चुनाव लड़ के और जा करके जीत के तो मंत्री और वो बने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, यहाँ तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को उन्होंने, उनके ऊपर एक उन्होंने कटाक्ष किया था, तमाम शब्दों से नवाजा था उनको, ऐसे में फिर भी अगर उन्हें मंत्री बनाया गया है, उनके लिए टिकट दिया गया है, तो कुछ तो होगा ओम प्रकाश राजभर में। अब वो तो पार्टी जाने वो तो पार्टी जानेगी कि पार्टी ने क्या देख करके ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ रखा। ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में रहने से समझिए कि पार्टी को नुकसान है। कैसे? अब जैसे हम लोग भाजपा के फुल सपोर्टर आदमी, लेकिन अब हम लोग ये बताइए छड़ी कोट नहीं देंगे? छड़ी को तोड़ देंगे नहीं, एनडीए ने भेजा तो। अरे एनडीए ने किसी कुत्ते बिल्ली को भेज देगा तो हम लोग चुनाव में उसको वोट दे देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। प्रकाश राजभर को कुत्ता बिल्ली से उपाधि देना, घोसी भी लोकसभा में हम लोगों के सामने तो उससे उसकी हैसियत ऊपर है ही नहीं। अच्छा, तो कैसे नुकसान होगा इनको? अब हम लोग जो सवर्ण बिरादरी के लोग हैं, सबको पियक्कड़ बनाता है कि लोग कहते हैं कि हमारी बिरादरी को लोग पियक्कड़ बताते हैं, हमसे अधिक तो फलनवा ठकुरवा पी रहे हैं सब, ठकुरवा अहिरवा पी रहे हैं। ये नेता की भाषा नहीं ना होती है? ये बताइए नेता गाली दे करके ऐसे कहता है कि अरे भाई फलनवा ढेकनवा ये तरह करते हैं सब, पीते हैं सब, हमारे बिरादरी को लोग कहते हैं। उसके बिरादरी का कोई नहीं कहा कि राजभर बिरादरी पियक्कड़ है, कोई कहेगा भी नहीं। और यह ओम प्रकाश राजभर ने खुद कहा था कि जितनी सरकार के साल का वो आता है बजट आता है उतना तो मेरे बिरादरी के लोग शराब पी जाते हैं, इसकी पीछे वही कहा। इसके पीछे की क्या उनके वो क्या मानसिकता थी उनकी सर से कहने की, क्या समझ क्या समझा रहे थे वो? अब वो चूतिया टाइप का आदमी है, वो कुछ भी बोलता है, पढ़ा लिखा नहीं है, लिखता है डॉक्टर प्रोफेसर क्या क्या लिखते हैं सबसे। डॉक्टर अरविंद राजभर आप कह रहे हैं, पढ़े लिखे ही नहीं है कुछ। अजय बताइए हम पार्टी को से हट करके एक आपसे बात करना ये चाह रहे हैं। अभी अरविंद राजभर एक बाइट दिए थे मीडिया में बाइट दिए थे कि अखिलेश यादव को हम अंडा बेचवा देंगे। अजय बताइए अखिलेश यादव के बाप मुलायम यादव रक्षा मंत्री रह चुके हैं, दो दो तीन तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश यादव पार्टी के खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पार्टी में 10-20 विधायक 50 विधायक रहते हैं। यह बताइए एक विधायक भी नहीं जीतवा पाया और किसी को अंडा बेचवाएगा?
ओम प्रकाश राव के साथ पूरा भाजपा की लोबी है भाई साहब। योगी जी से अगले बार कह रहा था, अभी अखिलेश यादव के साथ था तो योगी जी से घंटा बजवा रहा था, मोदी जी से कह रहा था कि मोदी जी जो है रेल बेच दिए, प्लेन बेच दिए, कोयले की खदान बेच दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी सामान बेच दिए। सभी सामान अगर बिक गई, खरीदा कौन? खरीदने वाले का भी नाम होगा ना, बेचने वाले का नाम होगा, तो खरीदने वाले का भी नाम तो होना चाहिए ना। किसको बेचे हैं अगर इसको पता है तो इसको बताना चाहिए। ऐसे बेहुदा को टिकट दे करके अब पार्टी भेज देगी तो हम लोग वोट उसको नहीं देंगे। आप लोग वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और हमारी बिरादरी के लोग समझिए कि जैसे हमारी लोगों से वार्ता हो रही है, अपने बिरादरी में ही हम भाई करणी सेना के आदमी हैं तो भाई अपनी बिरादरी में ही जाते हैं, तो जाते हैं तो इसको हम लोग पता करते हैं कि कौन क्या कह रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि भाजपा से कोई भी प्रत्याशी कमल के फूल से आया होता तो हम लोग फुल सपोर्ट में रहते, लेकिन छड़ी को वोट नहीं दिया जाएगा। ये बताइए, हमारे समाज को पियक्कड़ बनाता है और हमारे समाज के लोग वोट उसको दें, या तो मैं वो बात आ जाएगी ना कि नहीं आएगी। कहाँ से चूक हो गई भारतीय जनता पार्टी को? अब भारतीय जनता पार्टी समझे उसको। अब भाई हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य तो है नहीं। अब आप कह रहे हैं कि समण बिरादरी उनको वोट नहीं करेगी? नहीं करेगी। यहाँ पर अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो दलितों की संख्या ज्यादा है, उसके बाद माइनॉरिटी आता है, फिर यादव आते हैं। अच्छा ये बताइए, यादव आते हैं, हरिजन आते हैं, राजभर आते हैं, चौहान आते हैं, राजपूत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, भूमिहार आते हैं, सभी लोग आते हैं। ये एक बात बताइए आप हमको कि किसी दल को एक बिरादरी का अगर वोट मिल जाए तो क्या सांसद बन सकता है? नहीं। किसी एक बिरादरी को के वोट से? तो मैं यही पूछ रहा था ना कि जब इस तरीके की बातें हैं तो आप भी कट रहे हैं। उसकी ऐसी भाषा है कि सवर्ण तो उसको वोट नहीं करेंगे। इसमें किसका फायदा होगा? अब इसमें तो हमको लग रहा है कि सबसे भी अधिक राजू राय का फायदा होगा। बालकृष्ण चौहान कह रहे हैं कि 5 लाख दलित वोट है, 3.5 लाख, 3.5 लाख चौहान का वोट। कहने की बात है, चौहान बिरादरी पूरी बसपा में ही उनका विरोध हो रहा है। अच्छा, बसपा में ही बालकृष्ण चौहान का विरोध हो रहा है। यह बताइए आप हमको कि किस हिसाब से वो कह रहे हैं कि नहीं सबसे नंबर वन। कुंवर जी, आप भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता कहा जाए तो मान लीजिए कि आप करणी सेना के? हम लोग योगी जी के सिपाही, योगी जी के सिपाही हैं। हाँ, सीधा सीधा हम योगी जी से हम बात करते हैं। हाँ, योगी जी। और योगी जी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, भाजपा से सीएम है। और योगी जी ने ही यहाँ पर उनको, भाजपा ने ही उनको यहाँ पर टिकट लगाकर भेजा है, तो फिर ऐसे में क्या योगी जी को नाराजगी नहीं होगी आप लोगों के फैसले से? नहीं नहीं, कोई योगी जी को नाराजगी नहीं। अजय बताइए कि अभी योगी जी को इससे पहले अखिलेश यादव के साथ था तो योगी जी से घंटा बजवा रहा था ना। ये बताइए, अभी योगी जी के साथ गया तो अखिलेश यादव को अंडा बेचवाने लगा, उसे वो क्या बोलता है और क्या वो करता है तो वही समझेगा कि अब भाई अब हम किस भाषा में बतिया रहे हैं तो लोग क्या करेंगे। उनके कुछ पार्टी के कार्यकर्ता जो उनके साथ पहले काम करते थे, राजभर जी की पार्टी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपना अलग संगठन बना लिया है, अलग पार्टी बना लिया है। हाँ। वो लोग भी विरोध कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो राजभर समाज का वोट है हम लेकर क्या रहे, राजीव के साथ सटेंगे। अरे भाई, मैं तो कहा हूँ कि सबसे बड़ा इस समय आज के डेट में इन प्रत्याशियों को तीनों को देख करके ठीक यह लग रहा है कि इस समय राजू राय सबसे भारी पड़ रहे हैं। यस। अच्छा, दारा सिंह चौहान की अगर बात की जाए, यहाँ से तो मंत्री हैं तारा सिंह चौहान, उसके बाद से ये अपने ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के जी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि दो दो मंत्री अगर यहाँ से हैं तो इसका ओम प्रकाश राजभर को फायदा होगा, आप कह रहे हैं कि? अजय, हमको ये बताइए, अभी दारा चौहान अगले अभी चुनाव लड़े थे ना, भाजपा से ही लड़े थे ना। भाजपा का कोई भी मंत्री बाकी नहीं था, हर बिरादरी के नेता गए आए घूमे और पूरे मंत्री आए और गए, फिर भी दारा चौहान हार गए और सुधाकर सिंह वहाँ हार्ड वोटों से चुनाव जीत गए। तो क्या मान लीजिए कि आप उस वक्त भी सुधाकर सिंह के साथ ही थे? यस। हम लोग दारा चौहान के साथ इसलिए नहीं थे, यह बताइए आप हमको,
जब दारा चौहान को विधायकीय लड़ना था तो विधायक तो थे ही, विधायक तो थे ही, फिर उससे पद से अपने ही इस्तीफा दे करके अब फिर उसी पद पर लड़ जाना, ये क्या उनके जनता उनके पर कोई जनता को खरीद तो लिए नहीं है, जनता उनकी गुलाम तो है नहीं, जनता किसी की गुलाम नहीं ना है, तो उनको सबक दिए, जनता ने दिया तभी सुधाकर सिंह जीते। ओम प्रकाश, राजभर जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं उसको लेकर के फील्ड में उतरे हुए हैं, लोगों से कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया वो किसी पार्टी ने नहीं किया, और मैं मंत्री मुझे बनने के बाद घोसी में थोड़ा सा इसका भी ज़्यादा वर्चस्व रहेगा और घोसी का विकास होगा, ऐसे में हमारा बेटा सांसद जरूर बनेगा। अजय आप हमको ये बताइए, इससे पहले 6 महीने पहले अभी कितना दिन हुआ होगा ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में आए हुए समाजवादी पार्टी छोड़ करके? बहुत कम, 1-1.5 साल। एक साल पहले क्या पार्टी ने काम नहीं किया था भाजपा ने? भाजपा उस समय भी तो काम की थी, उसी को लेकर के दम भर रहे हैं ना कि अरे भाई, तो एक बार कहे कि सब बेच दिए और एक बार कह रहे हो कि पार्टी ने खूब काम किया, जुमला भी तो बता रहे हैं, तुम्हारी जबान का कोई वैल्यू तो है नहीं। कहते तो भी है कि जुमला हम जुमला था, चुनावी जुमला था, क्या वो गलती तो मानते भी है ना ओम प्रकाश राजभर की, हम चुनावी जुमला था, जुमला में बोल दिया मैंने। अरे तो जनता भी चुनावी जुमला में उनको सिखा देगी ढंग कि कैसे चुनावी जुमला बोला जाता है। आए हैं घोसी लोग सभा में अपने लड़के को चुनाव लड़ाने ना, उनकी हैसियत खुद उनको समझ में आ जाएगी। पढ़े लिखे हैं डॉक्टर, डॉक्टर हाँ पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को पता है अब कहाँ से पढ़े हैं अब वो जाने, लेकिन हम लोगों को लगता नहीं है सबकी वो सब बाप बेटा पढ़े लिखे हैं सब, क्योंकि उनकी भाषा जो होती है वो शुद्ध जाहिलों टाइप की होती है, जाहिल जैसे बोलते हैं, एकदम अनपढ़ गंवार आदमी बोलता है, उस हिसाब से वो बोलता है, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लगता है ऐसा कि पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। बताइए आप जाएंगे समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो योगी मोदी से घंटा बजवाने लगेंगे और तुरंत आप 6 महीने में वापस आकर के फिर पार्टी में और अखिलेश यादव को अंडा बेचवाने लगेंगे, तो तुम्हारा उसकी जबान का कोई वैल्यू नहीं है और घोसी की जनता खूब महसूस कर रही है। ठीक, और राजभर वोट नहीं करेंगे और की तो बात ही छोड़ दीजिए, आरक्षण की मांग को लेकर के आए हुए हैं, जाति जनगणना की मांग को लेकर के लोग लगे हुए हैं उनके साथ में, आप कर रहे हैं नहीं करेंगे? भाई हम लोग तो आरक्षण के विरोध में रहते हैं, कर्णी सेना हमेशा आरक्षण के विरोध में, सवर्ण आर्मी और कर्णी सेना हमेशा इसके विरोध में रहती है। तो प्रकाश राजभर यहाँ से चुनाव हार रहे हैं? हारेंगे पक्का। क्या क्या होगा अंतर वोटों का कुछ बताएंगे? अरे बहुत बढ़िया वोट से हार जाएगा चुनाव। तो राजू राव आपके हिसाब से चुनाव जीत रहे हैं? हमारे समझ से तो इस समय सबसे बड़े प्रत्याशी राजवीय राय लग रहे हैं। राजू राय लग रहे हैं जी।